ये आनंदपुर गांव था। वो गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला कूदा करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा, और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। अरे कौन सी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग अलग रूप धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का भेष धारण करूंगी। और मैं भी। और तुम प्रगति? अरे तुम तो मुझसे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? तभी प्रगति ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी प्रगति ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई, तो हमारे घर में कई महीनों का राशन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं है, माँ से पूछती हूँ। प्रगति दौड़ते हुए अपने घर गई। उसकी माँ सरला एक विधवा थी। सरला को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तभी वहाँ पर प्रगति भी आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना प्रगति? हाँ माँ, पर माँ इनाम 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल का है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई, तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं ना माँ? कपड़े सिलने तो आते हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो मुझे। फिर प्रगति सोचने लगी कि सफेद साड़ियों की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ मैं परी बन सकती हूँ, लेकिन परियाँ तो रंग बिरंगी ड्रेस पहनती हैं ना माँ? हाँ, और परियों की ड्रेस पर बहुत सारी सजावट भी होती है। लेकिन बेटा हमारे पास रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ न कुछ कर लूँगी। अच्छा ठीक है बेटा। अगले दिन प्रगति खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था, और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। अरे ये कौन सी जगह है, मैं पहले यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। काश मुझे इनकी तरह रंग बिरंगे कपड़े भी मिल जाएं। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है। बिल्कुल मिल जाएगा। अरे ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। प्रगति को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था कि वो पेड़ बोल रहा था, और उसकी आंखें भी थीं। अरे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी बनना है। अरे तुम बोल भी सकती हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, बल्कि एक जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी का ड्रेस दे सकती हो? ना ना ना, मैं परी माता थोड़ी ना हूँ जो मैं जादू से उनका ड्रेस तुम्हें दे सकूँ। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
लेकिन वो कैसे? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई रंग बिरंगे कपड़े देता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में। अरे वाह! उसके बाद जादुई पेड़ प्रगति को जादुई रंग बिरंगे कपड़े दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। फिर प्रगति वो कपड़े लेकर घर वापस चली गई। अरे प्रगति बेटा, क्या हुआ, तुम्हें कपड़ा मिला कि नहीं? माँ ये देखिए, मैं रंग बिरंगे कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ आप ये सब छोड़िए, बस आप जल्दी से ड्रेस बनाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद प्रगति की माँ सिलाई करना शुरू कर देती है और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परी की ड्रेस तैयार कर दी। रंग बिरंगे कपड़े से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाह बेटा, इस कपड़े से ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ माँ, लेकिन माँ परी की छड़ी, ताज और पर कहाँ पर हैं? फिर सरला ने जल्दी से अलमारी खोली और वहाँ से उसने परी की छड़ी, ताज और पर निकाले जो उसने पहले ही बनाकर रखे हुए थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा हुआ था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे, कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित तो कोई डॉक्टर। रानी और टीना वहाँ पर झगड़ा कर रही थी कि तभी प्रगति अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर देने लगे। तभी रानी और टीना ने प्रगति को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने ही असली परी प्रकट हो गई। परी ने अपने जादू से प्रगति को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो प्रगति, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। प्रगति को सही सलामत नीचे उतारकर परी ने उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई जिससे प्रगति की ड्रेस खूब चमकने लगी। दर्शक ये देखकर हैरान थे। प्रगति के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ प्रगति। परी जादू करके वहाँ से चली गई और फिर जजेस ने प्रगति को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। प्रगति गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। बहुत समय पहले की बात है, गुड़गांव में रहने वाली 17 साल की प्रियांशी एक गरीब दर्जी थी जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ प्रियांशी, अरे अंदर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ अंदर। अरे परसों जो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था तुझे, वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है, ये लीजिए। प्रियांशी रेखा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेखा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर प्रियांशी दुखी सुर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूँ? मैंने ऐसा कब कहा, मगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको तो पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख प्रियांशी, ये गांव है, यहाँ तेरे जैसे नथू खैरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से 1 पाई भी ज्यादा नहीं दूंगी मैं।
प्रियांशी रेखा के नखरे को जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई और रेखा भी वहाँ से चली गई। तभी उस गरीब दुखियारी दर्जी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं और वो दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ आप क्यों मुझे अनाज छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार न होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी प्रियांशी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दोपहर में उसका नन्हा भाई रोहन स्कूल से आ जाता है। दीदी मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रोहन उसका चेहरा पढ़कर कहता है, दीदी आप रो रही थी ना? दीदी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, अब चल खाना खा ले, तेरी दीदी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो प्रियांशी के सर से सालों पहले ही छीन चुका था, जिस कारण प्रियांशी को बेहद कच्ची उम्र में ही अपने भाई की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांव वाले उस गरीब दर्जी बहन की मजबूरी को जानते थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर प्रियांशी की आर्थिक स्थिति सवरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात वो सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ा कर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। रोहन अब बड़ी क्लास में जा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। ऐसा सोचते सोचते प्रियांशी अपना सर रख कर सिलाई मशीन पर ही सो जाती है। तभी वो अपने सपने में अपनी माँ मालिनी को देखती है। उसकी माँ उससे कहती है, जागो प्रियांशी। माँ आप? माँ आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते थक गई है, हालात ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख के बादल छटने की बजाय और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के अंदर तुझे छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तय खाने में पहुँच जाएगी। वहाँ एक बक्सा है जिसके अंदर तुझे जादुई लहंगा और सैंडल मिलेगी, उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वो अपने अंदर से तुझे लहंगा और सैंडल देंगे। इसी के साथ वो दर्जी बेटी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी किरण फूटने से पहले देखा हुआ सपना सच होता है। इतना बोलकर प्रियांशी झटपट से उसे तहखाने में पहुंच जाती है, जहां उसे एक संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा और लाल सैंडल दिखाई देती है। माँ के कहे अनुसार ये जादुई लहंगा चोली और सैंडल मिल तो गए, मगर ये जादुई है भी या नहीं ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। ये जादुई लहंगे और सैंडल, अगर तुम जादुई हो तो मुझे अपना जादू दिखाओ। इसके बाद उस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल में से तेज चमचमाती हुई रोशनी बाहर निकलती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाता है, जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने अंदर से लाल लहंगे प्रकट करने लगता है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारी लाल सैंडल प्रकट करने लगती है। ये तो सच में जादुई लहंगा और जादुई सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपनी और अपने भाई को गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। प्रियांशी उन सैंडल और लहंगे को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा एकदम सस्ते दाम में, साथ में लाल सैंडल भी है,
केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी आरती नाम की लड़की उसके पास आकर कहती है, क्या सच में ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ये ब्राइडल लहंगा ही 10000 के ऊपर में बेच रहे हैं। पर तुम इतना महंगा लहंगा इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तुम आम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियाँ मत गिनो। कुछ ही देर में प्रियांशी के सारे लहंगे और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। प्रियांशी रोजाना अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से वैसे ही बहुत सारे लहंगे और सैंडल बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी दूर हो जाती है, साथ ही उसका जीवन भी पटरी पर आ जाता है। अब कई साल बीत चुके थे। एक रोज प्रियांशी के मन में एक ख्याल आया, जादुई लहंगा और सैंडल के चलते मेरा जीवन तो गरीबी से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से गुजर रहे होंगे। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा और सैंडल देकर उनकी मदद करूं, तो उनके पिता के कंधे कर्ज तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे और सैंडल, मदद का हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। प्रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे और सैंडल के अंदर से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वो मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहाँ पाखी नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारी शादी है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी की शादी कहाँ पता चलती है? ऐसा मत कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा और सैंडल तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक ही बार होती है। इस तरह प्रियांशी गरीब पाखी को अपने हाथों से जादुई लहंगा और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रोहन आईएएस बन जाता है। दीदी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये आईएएस भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर प्रियांशी की पलकें भीग जाती हैं और रोहन प्रियांशी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान सजाए प्रियांशी जैसे ही अपने जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है कि तभी प्रियांशी के लहंगे और सैंडल से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसका लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की हो जाती है। साथ ही साथ वो 16 श्रृंगार और गहने से सज कर और उसका रूप भी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? और ये लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की कैसे हो गई? अचानक उसका ध्यान अपने जादुई सुनहरे रंग के लहंगे पर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा सवाल दूर हो जाता है और आखिर में 7 फेरों के साथ प्रियांशी की शादी हो जाती है। और फिर प्रियांशी अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से हमेशा गरीबों की मदद करती है और अपनी जिंदगी में खुश रहती है।